Good morning, students. Today I will show you one activity with the help of magnets. So what we will do with the magnets? So today we will do the activity given in your NCERT book. That is of chapter 13, class 6th. So ये activity हम करके आज देखते हैं. इस activity में क्या है कि magnet ने किस तरीके से इस magnetic material को अट्रैक्ट कर का जो एयर के अंदर हमें हैंग हुआ दिखाई दे रहा है. सो दिस मैग्नेटिक मटेरियल इज इनसाइड दिस कप. इस कप की जगह पे हमने क्या लिया है, ये टेस्ट ट्यूब ली है. ये टेस्ट ट्यूब आपको क्लियरली दिख रही है. और इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे देखो, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ये क्या ले रखा है, दिस इज कॉल्ड बार मैग्नेट. ओके, अब इस बार मैग्नेट और ये है पूरा स्टैंड. इस स्टैंड के साथ हमने इस स्टैंड के साथ इसको अटैच कर रखा है, मतलब इसमें हैंग कर रखा है. अब देखो जैसे जैसे मैं इसको नीचे की तरफ लेके आऊंगी ये मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करेगा. इसको मैं नीचे की तरफ टच करके लेके आती हूँ. यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब इसको हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुश करते हैं एयर में. सो यहाँ पे आप देखो इस तरीके से ये एयर में कैसे हैंग हो गई है. क्लियरली दिख रहा है आप सभी को. सो ये एयर के अंदर इस तरीके से हैंग है. और इसको आप और स्टेट में हैंग कर सकते हो जितनी तक इसकी कैपेसिटी है. तो ये दिख रहा है आपको क्लियरली. तो इस तरीके से ये हैंग की है. क्लियर है स्टूडेंट सभी को. एक इसको एक स्ट्रेट, मैं एक और आपके पास मैग्नेट दिखाती हूं. वी विल डू दिस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नेट ऑल्सो. तो यहां पे देखो ये मैग्नेट से मैं इसको अट्रैक्ट कर रही हूं, ये अट्रैक्ट हो गई, ठीक है क्लियरली. अब इसको आप यहां से इसकी तरफ, अब ये देखो पूरा खड़ी हुई है. और इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर टाइट कर देती हूँ. तो यहाँ पे ये दिख रहा है डिस्टेंस दोनों के बीच का. और क्लियर जूम करके दिखा दो, पास में लेकर आ जाओ इसको. हाँ दिख रहा है ये पूरा. तो इस तरीके से ये पूरा अच्छी तरीके से हैंग हो रखा है. तो ये पूरा एयर के अंदर पूरा क्लियरली आपको दिख रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे ये मैग्नेटिक मटेरियल है एंड दिस इज मैग्नेट. तो ये मैग्नेटिक मटेरियल इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है और ये पूरा एयर के अंदर इस तरीके से फ्लोट करती हुई दिख रही है हमें क्लियरली. तो सबको विजिबल हो गया. ओके सो थैंक.